जिंदाबाद। मान साहब की सोच से इनकलाब जिंदाबाद। सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब, बहुत बहुत दिल दियां गहराइयां चो धन्यवाद। और बैठ जाओ, तुम्हें बाद मिल लो, कोई नहीं, मैंने फड़ा जाओ, कोई नहीं, ले ला, आप फड़ के रख लो, कोई नहीं, रख लो, मैंने गड्डी रख लेंगे, कोई नहीं, फोन नंबर लिख दो उसके, बस कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हाँ जी, बस ठीक। वो पिछे भैन जी हो रही आते फड़ लियो, हाँ जी, बैठ बने भाई, मैं थोनों फोन कर लाँगे, कोई नहीं, ये भी इधर दी आके ना आराम ना फड़ा। वीरो, सब तो पहला थोड़ा चलिया होया कि कदम साडे सिर मत्थे, सब तो पहला सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों भी मैं किधर बई सी, अज फिर पिंडां च गया सी, गुरु सर कोट भाई कौणी, हुण फिर शहर चां, मैं तुहानूं कहा सी थकण वाले नहीं हैगे, असी सारी टीम बैठी है, सारी मंत्री साहबान बैठे ने, एमएलए साहबान बैठे ने, पार्टी के दर्जा बदर्जा अहुदेदार बैठे ने, चेयरमैन बैठे ने। वीरो, जिहड़े कांग्रसी जां बीजेपी वाले लीडर ने, राजा बड़िंग ते मनप्रीत बादल, ये आपदे वास्ते अपने वास्ते वोटां मंगदे ने, असी तुहाडे वास्ते वोटां मंगदे हां, आही फर्क है। ये अपने बच्चों वास्ते वोटा मांगते हैं, ये अपने परिवार वास्ते वोटा मांगते, अभी थोड़े परिवारों वास्ते वोटा मांगते हैं, अभी थोड़े जवाकों वास्ते वोटा मांगते। पिंडां च मैं गया, बहुत ज्यादा हुलारा, लोग तुले ही पए ने एक पासी, कहिंदे खैड़ा छड़ा दे साडा इन्हां नूं, मैं कहा खैड़ा तुसीं आप ही छड़ाओगे, मेरा तो ना ही लगू, लड़दियां फौजां हुंदियां ना जरनैल दा, मैं तुसीं बस 20 तरीक नूं नहा धो के वधिया आराम नाल टाइम नाल ही बूथ ते चले जायो, जान सार मशीन देख लियो, दूजे नंबर ते बटन है, डिंपी दी फोटो लगी हो नाले हो, झाड़ू बटन दब के ऐ हाथ झाड़ के आ जाओ, मुड़े आयो, कोई होर बटन कहीं देखियो बिना, नहीं तो मोतिया उतरे वो अखां च, एडे पापी बंदे ने, एडे पाप किए इन्होंने, क्यों आपां इन्हां दा बटन क्यों देखिए भी आपां, जेड़े राह ही नहीं जाना, राह पुछना क्यों है फिर वो। सो वीरो, अच्छा थोड़े नाल दे थोड़े वर्ग आ, थोड़ा सरकार च हिस्सा पैजूगा, कि दड़वाई वाले का सरकार च हिस्सा पैजूगा, फिर मंगा थोड़िया, कागज डिंपी का दस्खत मेरे, ये तो पहला भी भेजे, कोड लग गया, थोड़ा काम रुक गया, पर तो बाद भेजा, थोड़े पैसे ने थोनू देने ने। मैं तो पहले इस गल तो हैरान हाँ कि जदों आ पिछलिया ने ना तो कोई सड़क बनाई, सड़क बनाई कंपनियां ने, वो टोल प्लाजे लाई बैठे ने, ना स्कूल बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई इट लाई कि डिस्पेंसरी अस्पताल बनाया, ना नौकरी दिती कोई, तो खजाना खाली किवें हो गया भी, खजाना किधर गया, खजाना खाली है जी, कहिंदे आ पौने 3 साल हो गए मैनू बने नू मुख्यमंत्री, मैं कदे कहा खजाना खाली है, नाले बिजली फ्री करती, 90% घरों नू बिजली का बिल जीरो आता, खेतों वाली बिजली 8 घंटे तो वधा के 11 करती, आम करती, ते नाले थर्मल प्लांट खरीदी जाने, हुण किवें बिजली आने लग गई बई, उही खंभे ने, उही फ्यूज ने, उही ट्रांसफार्मर ने। नीत साफ चाहिए, नीतां साफ चाहिए, सब कुछ हो सकता है, इन्हां दी नीतां ही नहीं साफ है, वोटां वेले आ जांदे आ, देखो तुम जायो पिंडां च, बहुत पुराने पुराने बोर्ड ने, आ हरी के कलां कोले, अकाउणी कोले पुराने बोर्ड, कोई होने 150-150-200 साल पुराने बोर्ड, मैं सोचता जांदा सी, मैं कहिंदा बोर्डां ने किन्ने नेहरियां तूफान झले होणगे, ये तो खड़े ने बई, ते वो जिहड़े गमले वाले फुल होंदे ने, थोड़ी जी हवा नाल ही नाले आप डिग पैंदे, नाले गमला लुट जांदा, आ हैगा बोर्ड, इहदियां जड़ां धरती नाल जुड़ियां होईयां, आ राजे बड़िंग हो रही गमले ने, इतों चाके लुधियाने धर दो, लुधियाने चाके बठिंडे धर दो, बठिंडे जिते मर्जी चाके धर दो, बोर्ड आपकी जगह तो उत्थे ही खड़ा रहिंदा, ताहीं तो आपां कहिंदे फलाना बंदा यार बाबा बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड दियां जड़ां धरती नाल जुड़ियां होंदियां, तां खड़ा होंदा, आपदे लोकां नाल जुड़ के रहो, आपदियां जड़ां नाल जुड़ के रहो। इस करके
थोड़े को आया ये ड्रामे करते हूँ मंडी च रात कट्टी है कहते राजे वड़िंद ने मैं कदे वैसे आया कदे जिनस लैके मंडी च रात कट ली जी दसो है वो कितों जी उन्होंने गट्टा नहीं पता तुम गिणती की गल करते हो बारदाना नहीं पता उन्होंने की होगा आहो यह हो सकता है भी उत्थे कहे ना कहे दा क्योंकि ये तो जिथे जाते हैं घाटे ही पाते हैं हूँ कहना जी मैं मंडिया आना मैं भी थोड़े बारे कहना मैं किसान हाँ वो गल होगी ना जदों उन्होंने पता लग गया वोटा ने हूँ वह किसान बन गए डाकुआ ने बस घेर ली बस घेर के पुराने जमाने की गल है लाइन च खड़ा लिया सवारियां सारिया सारिया सवारियां लुट के डाकुआ का सरदार कहना नाम पुछ पुछ के गोली मारी जाओ पहले ने पूछा की नाम है कहना जी गुरदेव सिंह थोड़ा गोली मारी वे दूजे ने पूछा की नाम है वह कहना जी रमेश कुमार थोड़ा गोली मारी वे तीजी एक माता खड़ी सी बेबे हाँ माता जी की नाम है वह कहनी जी पुष्पा देवी डाकुआ का सरदार कहना ओए नहीं गोली नहीं मारनी ओए मेरी माँ का नाम पुष्पा सी ओए मैनू बड़ी प्यार करती होंगी मैंने ममता याद आ गई मेरी माँ याद आ गई गोली नहीं मारनी गाह राजे बड़ेंग वर्गा खड़ा सी अगला उन्होंने पूछा तेरा की नाम है कहना ऊँ तो मेरा नाम राजा बड़ेंगा ऊँ पिंड मैंने पुष्पा पुष्पा ही कहते हैं जी वो डाकू सरदार कहना दो गोलियां बद मारो मेरी माँ का दाम बदनाम करता कहना है ये पुष्पा हो रही ने मंडिया जाके जा दस हूँ है ये टाइम से पुष्पा बन जाते हैं गंगा गए तो गंगा राम जमुना गए तो जमुना दास ने इन दे मगर ना लग जाओ मेरे हाथ बन के बेनती है मेरी ये लुट के ओ जाते आपदे घरद्या ही आपदे भतीजे आपदे ही रिश्तेदार की गल बई आम लोगों की धियां पुत्तां की वारी कदों आऊ इन्हां दा पुछो ही ना मैं कहता चिट्ठे पए इन्हां दे कागजी रूप च कम मैं थोड़ा पक्के पैरी करदा थोड़ा टाइम लगेगा भी कितें जमानत जमूनत जी ना करा जाण नहीं मेरे को कल कल नट का हिसाब पिया कल बाडिया का नहीं हाँ थोड़ा जा कम टिकाई ना हो पर जिंदे पक्के लगन गए बरोजे वो मंत्री फड़िया एक असी कांग्रेस वेले का इंडस्ट्री मिनिस्टर होंदा सी हुशियारपुर तो भीरो जो घर छापा मारिया चलो पैसे तो थे होने सी सोफे भी शानदार राजां वांगू ड्रैंग रूमां दे भी ना भी दरबारे हाल दरबारे खास बाथरूम च महंगियां टूटियां होर तो होर नोट गिनने वालियां दो मशीनां फड़ियां उहदे घरों थोड़े घर हैगियां नोट गिनने वाली मशीनां नोट ही है नहीं भारदे मशीनां इत्थे आपां कईआं ने लै आ जा तां पुछ लिया सी जदों मोदी ने कहा सी 15 लख दिओ कल्ले कल्ले रूम भी चल यार पुछ लैने भा पर उहने मां दे पुत्त ने मोदी ने 15 लाख तक ही देना सी जिहड़ा अपने घरें एमरजेंसी वास्ते 2-4 हज़ार रुपया पिया सी वह भी नोटबंदी जी करके कढ़ा के लै गया इन्हां दे मंत्री ने नोट गिनने वाली मशीन यदा मतलब वो घरद्या ने हाथ खड़े करते हुण इन्ने लिया होना रोज़ रात को घर के कहते हुण भाई साथों नहीं गिने जाते थुक मुक जू साडा तां तू आपदी उही लिया भाई मशीन लिया तू लोगों को पैसा नहीं है अगले डंग की रोटी का पता नहीं थोड़े को नोट गिनने वाली मशीन ने यार कितों लिया मशीन कितों लिया नोट सब पबलिक दे इन्हों का यह हाल सो भीर और दूजे नहीं दस देना मैं भी वो ही रहा यार उर्दू बोल के वह लंघ गया मैं बथेरा कही जाया करा मनप्रीत बादल जी जिहड़े शेर तुसीं सुणाउंदे हो लोकां नूं समझ नहीं आउंदे उर्दू ना बोलो मैं तुहानूं पंजाबी दे दिंदा पंजाबी च बहुत वधिया वधिया शायरां ने लिखिया होया वह बोलो ना जी महफले खरूसे वरूस लोग कहते की वो मैं क्या सीधा कहो भी नौकरी दे दोगे या ना कि बिजली का बिल फ्री हो जूगा या ना इलाज करा दोगे या ना ये की पिया उर्दू च जिन उत्थे बोलो जिथे जानते हो उर्दू जानते हो उत्थे बोलो ना हटे ही नहीं जदों मैं तुम गल सुना जिस दिन जगदीश भोले ने मजीठिए का नाम लिया ड्रग के मामले च असी बठिंडे ही सी उदे पीपल्स पार्टी पंजाब वालों साड़ी रैली सी पत्रकार आ गए मनप्रीत जी भी मैं भी बैठा नाल वो कहते जगदीश भोले ने नाम लेता की कहना चाहोगे मनप्रीत बाल कहना जो फ्रांस की क्रांति आई है ना उस वो कहते जी जगदीश भोले ने नाम लेता मजीठिए का वो बारे की कहना चाहोगे कहना स्कॉटलैंड दे विच जो राज पलटा होया है ना उस वेले राजे नू कहते जी जगदीश भोले ने
ना लैता वह मीठी का कुछ वो बारे कहोगे। कहना लामा इकबाल ने लिखे काफले लुटे तो गुरदशे महफूज, वह कहते जी जगदीश भोले ने ना लैता वह मजीठी का कुछ कहना चाहते हो। कहना जो फलस्तीन दे विच युद्ध लग्या ना, वह कहते जी जगदीश भोले ने ना लैता, चलो धन्यवाद, वो चले गए भरावा चले गए। तो असी भी उस बाद इन्होंने पिंड चले गए बादल, वो खेत है परले पासे घर है बाहर जी जाके, चलो जी उत्थे रात रह ले। अगले दिन फिर इन्होंने पिंडां च आना सी, सवेरे ट्रैक सूट जिहा पाया होया मनप्रीत बादल, बैड ते सारे अखबार हैं खंडाई बैठा। मैनू कहिंदा मान साहब मीडिया साथ नहीं दे रहा। मैं कहा की हो गया जी? देखो कहिंदा कल वाली प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी सी अपनी किसे अखबार ने खबर नहीं लाई अपनी उहदे च। मैं कहा जी वह जगदीश भोले बारे पुछदे सी, वो तुम दस्या नहीं, फलस्तीन दियां खबरां बठिंडे दे अखबारां च नहीं लगदियां जी। आता उन्हों का हाल थे जेड़ी गल पुछते वह जवाब दे दो यार तुसी। ना होर ही बोली जाते, लोगों की बोली बोलो, क्यों नहीं बोलते लोगों की बोली? क्योंकि लोगों की बोली आउंदी नहीं। पढ़े तो पहाड़ा वाले स्कूलों है दून सनावर, आप है सरकारी ना, सरकारी स्कूल जी सिक्ख्या देंगे ना, प्राइवेट नहीं दे सकते। पत्रकार कहते किमें दसो, मैं सरकारी स्कूल असं तुर पैने घरों झोला लैके, सब तो पहला फैसला तो मैं यही करना हों, फैसला लेना सिखा सरकारी स्कूल। कहते कि मैं सब तो पहला फैसला तो यही करना हों, घरों तो चल निकल गए अज स्कूल जाइए या ना, सरकारी तो यह फायदा भी जे नहीं जाना, प्राइवेट तो फोन कर देने आपका बच्चा आया नहीं है, अब फिर जाके मैं क्या सरकारी स्कूल ये फैसला करना पैंता भी भजना अद्धी छुट्टी वेड़े या अठवें पीरियड च भजिए। फिर मैं क्या सरकारी स्कूल थोड़े जा राजनीति भी सिखाते हैं, कहने किमें फिर यह फैसला करना कल ही भजिए या पांच सात नाल ले लिए काफला जहा बन जाए। फिर मैं क्या ये फैसला करना पैदा सारी छुट्टी वे लड़ना कि फिर यह भी देखना वो किन्ने किन्ने जे वो बद के भजना किधर दी है। मैं क्या ये कि प्राइवेट आ जाऊगी सीख्या है कि सो भीरो अच्छा तो थोड़े वर्गियाँ थोड़े नाल दें इस करके थोड़िया बोलियों बोलते हैं इस करके थोड़ा साड़ी समझ आती है बया कहता सी भाई होर की बोलना तुम लोगों दसो भी थोड़ी समस्यावान जड़िया ने आ लिख के देती मेरे को पहुँच गई फोन करा कल कल जे डिपार्टमेंट की होगी तो अफसर का फोन आऊगा भी तुम आप फड़ाया मंग पत्र तो दसो जी की करना जे कोई कागज की घाट बात होगी मंगा लाँगे आही करना हों होर यह नेड़े नहीं लगन देंगे। मुख्यमंत्री बनाता कैप्टन अमरिंदर उन्हें अंदरों ही कुंडा ला लिया महिलाओं कहना पब्लिक ना जी कि आम पौने पांच साल नज़ारे ले गया पौने पांच साल बाद आले दुआले कहते जी वोटा आ गई कुंडा खोलिए कहते खोलो कुंडा तो खोल लिया गेट ना खुले दरवाजा ना खुले कहते थले तो नहीं फस गया कितने जाम हो गया कहते नहीं जी बाद पता लग गया कहते लोग बाहरों ला गए जी बैठे रहो अंदर ही हूँ वो बैठे ने अंदर ही हूँ निकले ही नहीं घर चो बाहर यार आ फिर दिया जी कल चब्बे आल सी अज थोड़े पिंड लुधियाने जाऊँगा अज रात में कल सरपंचा सहु चुकानी है जिथे लोग बुलाते ने जाओ जिथे बुलाते ने जाओ लोगों ने तो थोड़ा बनाया बी ना जी कहते मुख्यमंत्री इतने नहीं मैं कई अफसर कहते जो विधानसभा मैं जवाब दे देना हरेक गल का उन्हों का विधानसभा मैं मैं अफसर कहते जी हर सवाल का जवाब ना दिया करो मैं की गल कहते जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे वो जवाब नहीं देते थे मैं इस करके तो पहले वाले ने वो हूँ वाले क्यों नहीं है फिर वो जो जवाब हैगा अपने को दिए क्यों ना एकदम मैं तो एकदम जिंदा लै गया मैं स्पीकर क्या जिंदा लाओ इन्हों कांग्रेसी भाग जाते इतों अंदरों जिंदा लाओ इन्हों। सो भीरो ऊँ मंडिया जरातं कटते इन्हों कख नहीं पता। सो तुसी मेहनती बंदे हो तुसी अपनी दसा नौह की कमाई करके खाने वाले बंदे हो तो थोड़े तो बड़ा देशभक्त नहीं हो सकता टैक्स दिने हो तो यह सब कुछ लुट माल है। सो इन्हों सबक सिखाओ आ मावं भैन बैठी इन्हों तो दसन की भी लड़ अपना चोन निशान की है ये तो सवेरे सवेरे नेरे च भी भाल लेंदियां ने पांच बजे भी कितने जे पे तुसी बहुते खुश ना हो जो लोड़ पै जाए यह जे वे भी भाल लें कितने जे पे आ दो तीन तो वाली खुश हो तजर्बा लगता मैं हाँ तजर्बा लगता तजर्बे चाहिए हाँ आ गल सो वीरो थोड़ा कोई तो सवार नहीं सकते कोई इन्हों को ताकत भी इतनी जे हों हूँ कुछ ना कुछ कर देंगे सानू आने की लड़ ना पैंती हो राजनीति चंगा भला कलाकार मैं गिदड़ बाए आ पैसे लेके जाता हूँ दे के जाऊँ
ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤਲਾਅ 'ਚ। ਹਾਂ ਹੁਣ 4-5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਊ ਦੇ ਬਈ, ਆ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਆ ਗਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ, ਉਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਸਪਾ ਲਿਆ, 5,000 ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਪੱਪੂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ 2.5 ਪੱਪੂ ਦਾ, 2.5 ਦੂਜੇ ਪੱਪੂ ਦਾ, ਲੈਂਬੂਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਚ ਸਮੋਸੇ ਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਬੁੜਾ ਤਾਇਆ ਮੂਹਰੋਂ 2 ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰੈਸ ਹੋਰ, ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਵਾਈ ਲੈ, ਕੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪ 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਜੂ ਕੋਈ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਜੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟਾ ਮਾਰੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਟੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਟੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਏ 19 ਵਾਰੀ 60,000 ਜੋੜੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੇ 4 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ 2,40,000 ਪੈਨਸ਼ਨ, 4 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, 5 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ 3,00,000 ਲੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ 1,00,000 ਚੂਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੋ, ਆ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਡੀ, ਐਂ ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡੀ ਲਾ ਦੇਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਭਾਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਵਿੱਚੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੜਾਓ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪੜੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗੋਰੀ ਕਾ BJP ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਕਦੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮ ਛਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ, 50 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੇਜਤਾ, ਹਜੇ MLA ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ TV ਮੂਹਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਝਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਲੀਪੋਪਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀਰੋ
जिहड़ा थोनू एक बारी खरीदूगा वह थोनू पांच साल बेचूगा, फिर थोनू बेचू वो। आ मोदी कहना 100 रुपया सिलेंडर सस्ता करता, उन्होंने पूछे 1000 रुपया महंगा किने किया, वो कहते लोगों को याद ही नहीं रहा महंगा, 100 वाले याद रहूगा। वो कहे का कुड़ी का विआह से चंगा वधिया खानदानी परिवार से, उन्होंने आख्या भी वधिया धूमधाम नाल विआह करांगे, उन्होंने लियांदे सोफे सैट वधिया टीवी वधिया ज्वैलरी गहने सब भी कुड़ी नूं धूमधाम नाल तोरांगे। डाकुआं नूं पता लग गया भी इस घर च माल है, सवेर नूं बरात आउणी सी अज रात नूं डाकू आ गए, डाकुआं ने कुड़ी का परिवार किया बंद एक कमरे च, बाहरों लाया कुंडा, सारा समान ट्रक लिया इसी नाल सारा समान लद लिया, तुरन लगे डाकुआं सरदार कहिंदा एक मिंट कुड़ी वाला परिवार किहड़े कमरे च, उह कहिंदे जी इस कमरे च बंद है, खोलो, कहिंदा खोलिया कुंडा अंदर परिवार डरिया बैठा, डाकुआं सरदार कहिंदा किहड़ी कुड़ी की शादी है, कुड़ी बेचारी डरदी डरदी उठी मेरी शादी है, डाकुआं सरदार ने जेब च हत्थ पाया 100 रुपये का नोट कढ के उन्हूं शगन देता नाले सिर पलोसता, कहिंदा जिउंदी रहती है बुढ़ सागन होवें रब तेनूं खुशियां देवे सारे परमात्मा, चले गए उदों ट्रक लैके लुट के चले गए। अगले दिन पुलिस आ गई, लै उस कुड़ी दे परिवार चो एक भी बंदा पुलिस आणां कोले डाकुआं दे खिलाफ FIR लिखाउण नूं तैयार नहीं होया, कहिंदे लुट के भावें लै गए सारा घर पर 100 रुपया शगन दे गए, बड़े चंगे बंदे सी, आपां इही दे पौणे पांच साल आपां नूं जिहड़ा लुट्टी जांदे ने उह आपणे याद नहीं रहिंदा, 100 रुपये वाला शगन याद रख लैंदे आं। इस करके मैं तुहानूं कहिंदा इहनां दे लॉलीपॉप च ना आयो, इहनां कोले कख नहीं, इहनां कोले गल्लां ही ने। हाँ लग्या होया मैं कई बार थोड़ा टाइम लग जाता क्योंकि 75 साल पुराना ताना उलझा होया, सुलझाई जाने हौली हौली, रेह वाली बोरी वांगू जे सीधे पास्यों खुल गई सिरा थे आ गया फर्र करके खुल जानी है, जे पुठे पास्यों छेड़ लिया सारा दिन बोरी नहीं खुलती वो, ठीक है ना। सो इस करके थोड़ा प्यार थोड़ा सत्कार चाहिए, इतों पहला बहुत मिले वो धन्यवाद है। मैं कदों सोचा कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे या कोई मतलब एडे वे आदि तो सूँ पहुँचा दोगे, ये बेनती कर तुम आया 20 तरीक नूं 2 नंबर वाला बटन है, बटन 2 नंबर से आना, पहले नंबर से दोनों हाथ उपर चाके 2 नारे ला दो, इनकलाब इनकलाब बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा आराम ना जायो, हौली जायो, बुजुर्ग भी ने बच्चे भी ने, बड़ी लोड़ है थोड़ी पंजाब नूं।